इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गुप्ता और आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीबी आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। हम सभी को पता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ रही हैं। आज मेरे साथ है रजनी गुप्ता जी, जो कानवी क्लब की अध्यक्षा है। आइए उनका स्वागत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले रजनी जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपने इस क्लब की शुरुआत की है, महिलाओं की जो संस्था है उसमें कानवी क्लब का नाम भी गूंजता है, कैसा लगता है इस क्लब को शुरुआत करके और इस क्लब की शुरुआत भी आपने क्यों की, मैं ये भी जानना चाहूँगी। कानवी क्लब की मैं अध्यक्षा रजनी गुप्ता, आप सबको राधे राधे। ये कानवी क्लब की जो हमने शुरुआत की है, बस यही था मोटिव हमारा कि जैसे सब हाउसवाइफ हैं जी, तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, तो हमने सोचा क्लब के थ्रू हम लोग फंक्शन देंगे, सब लेडीज़ आपस में इकट्ठी होंगी, मिलके रहेंगे, एक समाज में एक अपनी अलग पहचान बनेगी। तो लेडीज़ों को इस बहाने हंसना, खेलना, कूदना, फंक्शनों में जाना, पार्टिसिपेट करना, जो हम भी करना चाहते हैं, तो जो हमने अपने ऊपर देखा वो सोचा कि सब लेडीज़ भी मिल करके आपस में इंजॉय करें। तो हमने कहा चलो किट्टी तो करते ही हैं, अब क्लब की भी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रजनी जी, जब इस क्लब की शुरुआत हुई तो पहले फंक्शन जो आपने स्टार्ट किया था, मतलब 4 साल इस क्लब को हो चुके हैं, और जब पहला जब फंक्शन होता है तो वो हमेशा यादगार रहता है, तो कानवी क्लब का पहला फंक्शन कौन सा था और उसमें उसकी यादें आपके साथ क्या क्या हैं अभी तक? वो तो बहुत ही स्वीट मेमोरीज हैं जो भूले नहीं भूलती। अक्टूबर में हमने फर्स्ट फंक्शन किया था कानवी क्लब का, करवा चौथ का जी। तो हमने करवा चौथ से रिलेटेड ही, मतलब सभी अपनी महिलाओं को, अपनी सहेलियों को साइड में जो दुपट्टे आते हैं वो दिए थे पीलिए के। अच्छा। जिसमें लेडीज ने जब वो पहना करवा चौथ पे, तो उनके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि वो कितने खुश है, और हम इतने एक्साइटेड थे कि एक वीक से, मतलब पहले हमें लग रहा था यार फंक्शन आने वाला और पहली बार हो रहा है, तो बहुत टेंशन थी कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एक लेडीज़ को ही घर से बाहर निकलने में बोलते हैं अभी 10 मिनट है, 15 मिनट है, और हम इतनी सारी लेडीज़ों को लेके चल रही हैं, क्या वो टाइम से आएंगी जी, उसमें क्या क्या मतलब फंक्शन में इन्वॉल्व करें, क्या सक्सेसफुल होगा, टेंशन तो बहुत थी, लेकिन ये कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया ना, सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल को बहुत खुशी मिली होगी। बहुत खुशी मिली, लेकिन ये सब अकेले का नहीं है, पूरी टीम ने देखो मिलकर के साथ निभाया, आपस में बहुत मेहनत की पूरी टीम ने, और एक दूसरे का सहयोग दिया, बिना सहयोग के तो कुछ नहीं हो सकता। हमारी टीम तो जैसे वो कहते हैं ना, आसमान में 7 तारे चमकते हैं, उस तरह से चमकती है हमारी टीम। और हम दुआ करेंगे कि आपकी टीम आगे भी ऐसे ही चमकती रहे। अब बात जब टीम की ही हुई है, तो मैं आपकी टीम के बारे में भी जानना चाहूँगी। जब आपने इस क्लब की शुरुआत की थी तो कौन कौन आपके साथ था जो आज भी बना हुआ है, और जैसे सितारे आपने बताया, तो हम आपके सितारों के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे सितारे बहुत अच्छे हैं, एक से एक मतलब टिमटिमाते हैं, और जो स्टार्टिंग में थे वो अभी भी बने हुए हैं जी, क्योंकि जैसे निशा गुप्ता जी हैं जी, ये जो अपने दीपाली से ही हैं जी,
इनका क्या कार्य रहता है, जैसे आपके साथ सितारे हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सात ही लोग होंगे मैं जहाँ तक जानती हूँ। नहीं नहीं, सात तो नहीं है, है तो तारे तो बहुत है, लेकिन है आपस में एकता बहुत है। जो काम अगर हम लोग बात करें, सपोर्टिंग सिस्टम आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे में काम की बात करें तो सबके काम कैसे बांट रखे हैं आपने? काम तो समझ ही नहीं आता कैसे हो जाते हैं। टीम बहुत अच्छी है, जैसे हमें लगता है हमें ये इस क्लब में मतलब फंक्शन है, तो फंक्शन की रिकॉर्डिंग जो भी हमें वर्क करना है आपस में हम लोग मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो सभी बोलते हैं सब में कोई ना कोई खूबी है, तो जिसमें जो खूबी है उस हिसाब से उसको बोल देते हैं ये वाला काम आपको हैंडल करना है, और वो बहुत अच्छे से बखूबी करती है बहुत प्यार से। तो इसलिए जो स्टार्टिंग में मेम्बर्स थे वो अभी तक बने हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे कहते हैं ना महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था पहले का भी, और अगर कहीं आज भी देखें तो आज भी कई कई ऐसे फैमिलीज हैं जो कहती हैं बहुएं और बेटियां घर में बनी रहें तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन आप जैसी संस्था जो है आपने भी स्टार्ट किया, महिलाओं को बाहर निकल के खुद के लिए जीना सिखाया है, तो कैसा लगता है? और उन महिलाओं के लिए, उन घर वालों के लिए भी आपकी क्या सुझाव हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगी उन्हें कि वो भी अपनी महिलाओं को, अपने घर की बेटियों को, बहुओं को बाहर निकाले ताकि वो भी खुश महसूस कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सामाजिक एक पॉइंट है, जब हम चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ बाहर जाए, आगे बढ़े, कुछ करे, क्लब की टीम में भी जाए, आगे जॉब भी करे, तो ये चीज़ तो बहू पे भी लागू होती है। बिल्कुल। तो जब हम अच्छी माँ बन सकते हैं तो अच्छी सास बनेंगे, तो बहू बेटी अपने आप ही बाहर निकलेंगी, और वो बहुत समझदार है। अब पहले हम लोग सिर्फ घर को संभालते थे, वो लोग घर और बाहर बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छे से सब मैनेज हो जाता है हमारे यहाँ। बिल्कुल। रजनी जी से हमारी बात यूं ही जारी रहेगी, चलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गुप्ता, और आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ले जा रे, ले जा रे, ले जा ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग के बाद। स्वागत है आपका। अभी भी रजनी जी हमारे साथ बनी हुई है। मैम, अभी हाल ही में तीज का त्यौहार गया है, त्यौहार आ भी रहे हैं, तो क्या क्या रहता है हर त्यौहार के लिए एक अलग अलग प्रिपरेशंस होती है, तो इस बार पहले तो तीज के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे आप लोगों ने सबने मिलकर तीज मनाई। तीज तो हमने, जैसे अभी थोड़ा कोरोना काल तो चल ही रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने तीज का फंक्शन तो नहीं किया, लेकिन हमारी बॉलीवुड थीम के हिसाब से पार्टी होने वाली है। ये पार्टी हमारी सितंबर में है, उसकी बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी है, तो तीज की तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ही, और हम लोगों ने टीम ने मतलब घर पर बुला करके आपस में काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट भी किया, लेकिन जो हमें फंक्शन के तौर पर करना है वो हम लोग सितंबर में करेंगे बॉलीवुड थीम के साथ। बिल्कुल। तो आने वाला जो क्लब का फंक्शन है वो बॉलीवुड थीम पर होने वाला है। मैम, कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्या सबसे पहले मोटिव रखा हुआ है फंक्शन को लेकर? जो उभरते सितारे हैं उनको तो सब बच्चे जानते ही हैं, न्यू जनरेशन जानती है, लेकिन जो ओल्ड हमारे सितारे रहे हैं, तो पुराने जमाने के वो सॉन्ग्स अगर एक बार बजते हैं ना तो वो दिल को छू जाते हैं, तो हमने ओल्ड सॉन्ग्स भी लिए हैं, और हर लेडीज़ को एक गेटअप के साथ बोला है कि आपको जो सूट करे आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप वो कैरेक्टर में ढल करके आइए। बिल्कुल। तो बस बॉलीवुड की यही तैयारी है, बाकी सरप्राइज है, सब तो अभी नहीं खोलेंगे ना। बिल्कुल, मतलब 90s थीम दिखने वाली है आपके फंक्शन में।
आखिर में मैम मैं अपनी सभी दर्शकों के लिए आपसे शुभकामनाएं चाहूंगी। जैसे स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, तो कानवी क्लब की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को बधाइयां दे दें। जी बिल्कुल, कानवी क्लब और उसके पूरी टीम की तरफ से सबको तीज की और स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि 15 अगस्त पे जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं, तो अभी मार्केट में ना 15 अगस्त के हिसाब से मास्क आए हुए हैं अपने देश के झंडे के। बिल्कुल, तो अगर वो हम लगाते हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम उसको क्या है कि मास्क तो हमने लगा लिया, हम उस मास्क को थ्रो भी करेंगे, डस्टबिन में भी डालेंगे। तो ये तो हमारे देश का झंडा है, हमारी शान है, वो हमारे पैरों तले या किसी डस्टबिन में तो नहीं जा सकती। मेरी बस आप सबसे यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि प्लीज़ 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 मास्क तो लगाइए, लेकिन देश के फ्लैग का मत लगाइए, इसको इग्नोर कीजिए। बिल्कुल, तो रजनी मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो मास्क हैं जो हमारे फ्लैग के हैं, हमारे नेशन के हैं, इसको ना लगाएं, क्योंकि इसका अपमान हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसी देश के रहने वाले हैं। इसलिए ये काम जो है, ये जो मास्क है, बिल्कुल ना लगाएं। तो हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में थी रजनी जी। मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, बने रहिए MMBB आवाज़ के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। ले जा रे, ले जा रे। जाले